हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणाज क्रिएटिव लाइफ। गाइस कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। और क्या चल रहा है आप सबके शहर में और आपके स्टेट में? हिमाचल में तो गाइस ये हो रहा है, बस जैन हो गया और ये अभी फेब है तो ये चल रहा है। अभी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, देखिए कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है। ये तो हमारा तो कम थोड़ा हिली एरिया है, इससे भी अपर जो एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे तो दो दो तीन तीन फुट तक बर्फ़ रहती है और काफ़ी दिन तक टिकती है वो बर्फ़। और सारे खेत बिल्कुल वाइट हो गए हैं, सारे पेड़ बिल्कुल वाइट हो गए हैं और सीन ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक एंड वाइट पुराने ज़माने का जैसे होता है वैसे लग रहा है। और ये देखिए बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी कॉन्टीन्यूसली बर्फ़ पड़ रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और ठंड तो पूछो मत, ठंड तो इतनी ज़्यादा है ना, वो तो शुक्र है भगवान जी का कि यहाँ पे लकड़ियाँ इतनी सारी हैं कि मतलब आग वगैरह सेक सकते हैं तो इतनी ठंड फील नहीं होती, नहीं तो पानी बिल्कुल जमा देने वाला होता है। इस बार ना हिमाचल की ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, जहाँ नहीं भी पड़ती थी वहाँ भी पड़ी है। और लोग अब परेशान भी होने लगे हैं ऐसे मौसम से और सूर्य देवता से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली अपने दर्शन देते रहें, पर सूर्य देवता दो दिन के लिए आते हैं और फिर वैसे ही वेदर हो जाता है, कहीं बारिश हो जाती है और कहीं ये बर्फ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इस तरह की बर्फ़ पड़ती है और महीनों बर्फ़ रहती है तो हमारे स्टोरेज किस तरह से करते हैं, फसल की स्टोरेज हो या लकड़ियाँ सूखी कैसे बचा के रखनी है, वो किस तरह से किस जगह पे स्टोर की जाती हैं, तो चलिए देखते हैं। चोतू चोतू राम कौन है? ये चोतू चोतू राम कौन है? ये लक्षु, हेलो बोलो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। किसने बनाई इसकी चोटी? मम्मा ने। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मक्के की है फसल है, इसको कई लोग तो ऐसा करते हैं कि जब निकलती है सुखा के उसी टाइम बेच भी देते हैं और कई लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करते हैं, मतलब अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं पूरे साल। ऊपर चढ़ रहे हो? हाँ। ऊपर चढ़ना है? हाँ। तो यहाँ पे मक्के की छंटाई हो रही है, जो अच्छी वाली मक्के हैं उनको एक साइड रख रहे हैं और जो थोड़ी सी ख़राब हैं उनको एक साइड रख रहे हैं और फिर इनको ऊपर स्टोर कर दें। और ये है खुफिया जगह जहाँ पे स्टोरेज की जाती है और ये इतना बड़ा होता है ना कि दो से तीन कमरों के बराबर स्पेस होता है इसमें, बहुत बड़ा होता है। और ये दादू हैं ऊपर, मक्की की स्टोरेज हो रही है। ये हमारा खुफिया तहखाना है, तहखाना वैसे तहखाना होता है बट ये तो छत में बना हुआ है तहखाना। हेलो सुखाई जाती है मक्कियाँ इस तरह से और बहुत सारा स्पेस है ऊपर। और ये देखिए हिनल बहुत खुश है ये सब देख के, उसको ऐसी यूनिक चीजें ना बहुत पसंद आती हैं। किंदर हनु हनु के दादू की फोटो लेने दो मुझे, रुको मुझे पापा पार्सल आया, पार्सल आ गया, पार्सल आ गया, पार्सल आ गया। ओए धीरे से, शायद मम्मी सोच रही होंगी कि बहू रानी थोड़ा काम कर लो, वीडियो बहुत देर से बना रही हो। मजाक कर रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ बहुत नाइस है। ये देखिए ऊपर का तहखाना, कितनी स्पेस है यहाँ पे, देखो आगे तक है स्पेस। तो यहाँ पे पापा जी जो हैं वो मक्कियों को सेट कर रहे हैं अच्छे से और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था दो तीन कमरों के बराबर स्पेस है तो कोई भी फसल हो आप यहाँ पे ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, हवा बहुत अच्छी आती है। ये जो है वो अंदर और भी आप स्टोरेज के लिए कुछ रखना हो, जैसे घर का कोई सामान होता है हम तो वो भी रख लेते हैं यहाँ पे और सेफ भी रहता है और जगह भी मतलब यूज़ हो जाती है पूरे। वहाँ से लेकर यहाँ तक कई लोगों की तो किचन में भी ऐसा स्पेस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। तो लकड़ियों की बात जहाँ तक आती है तो लकड़ियाँ जो गीली लकड़ियाँ होती हैं वो उस तरह से रखी जाती हैं छत पे और जब नीचे आग जलती है
मतलब ये डबल स्टोरी टाइप होता है तो नीचे आग जलती है, उसकी गर्मी होती है तो लकड़ी ऑटोमेटिकली सूख जाती हैं और इस तरह से बर्फ से भी और बरसात में बारिश से भी बची रहती हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए हम कुछ भी मतलब रख सकते हैं जैसे बर्फ वगैरह पड़ती है। तो ये है ट्रेडिशनल सीढ़ी, गिरना मत तू नीचे हिनल, गिरना मत आप हिने नीचे। ये आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल सीढ़ी जो बस ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए ही बनाई जाती है। इस तरह से कट मार के इसमें स्टेप्स बनाए जाते हैं और ये इसी काम के लिए यूज होती है। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है और अभी यहाँ पे मैं गोलगप्पे बना रही हूँ। और हीनल जो है वो कितने दिन से बोल रही थी मम्मा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा पैकेट लाई थी मैं साथ में, मैंने सोचा बना लेती हूँ। और अभी मैंने एक डाला है चेक करने के लिए, तल लेती हूँ पहले इन सबको। अभी मैंने एक डाला था चेक करने के लिए कि तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, तेल पूरा गर्म हो चुका है। तो फिर अभी मैं सारे इकट्ठे ही डाल दूँगी और इकट्ठे ही तल दूँगी उनको। साइड में मैंने आलू भी, अब ये देखिए पूरे डाल दूँगी इनको एक साथ। हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं ये, साइज़ में थोड़े छोटे हैं क्योंकि बच्चों से थोड़े छोटे छोटे ही खाए जाते हैं। वैसे मुझे सूजी के बहुत पसंद है, सूजी नहीं सूजी के बहुत पसंद हैं। और ये देखिए हस्बैंड 1, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे डाल रहे हैं कि सिखा रहे थे कि इस तरह से डालते हैं। फिर मैं उनको बोल रही थी अगर इस तरह से डालेंगे तो इतनी बड़ी फैमिली के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर 5-5 करके 6-6 करके डालेंगे तो एक साथ करके ठीक रहता है, एक साथ करके डालो और वो फूल के आ जाते हैं ऊपर। इनका थोड़ा साइज़ छोटा है लेकिन बच्चों के खाने के लिए ठीक रहते हैं, मुँह में अच्छे से आ जाते हैं पूरे। ये थोड़े से बचे थे ना जो लास्ट में ये पतिदेव निकाल रहे थे और ये गिर गया, इनसे 2-3 गिरा दिए इन्होंने। और फिर बोलते हैं कि ये जो झरना है ना यही काम का नहीं है, तुम ढंग की चीज़ें नहीं रखते हो घर पे भी। हमने गोलगप्पे बना के रेडी कर लिए हैं और फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी है तो हमारी इधर उधर भी है तो फिर हमने थोड़े ज़्यादा गोलगप्पे बनाए हैं। पतिदेव बहुत खुश लग रहे हैं आज गोलगप्पे देख के, हीनल और पापा दोनों फैमिली। तो अब बारी है यम्मी यम्मी इमली की चटनी की। इमली को देख के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है और गोलगप्पे और इमली की चटनी तो मज़ा ही कुछ और है। और मैं यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रही थी क्योंकि ये ना इमली की चटनी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी थी, काफ़ी देर से मैंने भिगो के रखी थी। और भीगने के बाद इसके बीज बाहर निकाल लिए और उसको थोड़ा सा मैश कर लिया। उसके बाद ना पैन में मैंने इसको गुड़ के साथ पकाया था अच्छे से, तब ये थोड़ा थिक हो गई थी तो फिर गर्म पानी ऐड करने के बाद ये सही हो गई। और ये है पानी पूरी मसाला, अभी इसको भी हम ऐड कर देंगे और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी कि थोड़ा सा ना धार बनाओ, मतलब अच्छे से मिक्स करो, तो वैसे ही बना रहे हैं। ये बन रहा पानी पूरी का मसाला साथ ही ले आई थी मैं जब गोलगप्पे लाई थी, आज बोला नहीं जा रहा पता नहीं क्यों। तो अब ये मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे आलू भी उबाल के रख लिए थे पहले ही हमने। और देखिए हमारा पानी भी तैयार हो चुका है, गोलगप्पे रेडी हैं और ये है बूंदी, बूंदी वाला पानी। और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं, ये चाची की बेटियाँ हैं, पापा ऊपर से, और ये है ठेले वाले भाई साहब को, इनको हमने बुकिंग पे बुलाया है यहाँ पे। भाई साहब कितने में बुकिंग पे आए हो तुम लोग? आप सीधे बैठो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए सभी दर्शक बैठे हैं यहाँ पे, है यहाँ हलवाई, तो ये थी हमारी छोटी सी गोलगप्पे वाली पार्टी। कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये देखिए सारे खेत बिल्कुल व्हाइट हो गए हैं बर्फ से और पेड़ों पे कितने प्यारे प्यारे डिजाइन पड़े हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये।
तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।